हेलो हेलो मस्तरंगीज, हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही खतरनाक खतरनाक स्पूकी खतरनाक से भी स्टोरी। खतरनाक। सो गाइस, आज हम किसी की स्टोरी शेयर करने वाले हैं और ये स्टोरी हमें भेजी है शौर्या ने। और गाइस, सच में बहुत स्पूकी स्टोरी है और पढ़ के तो ऐसा लगा कि मतलब एक इंसिडेंट है जो लिटरली मुझे लगा कि ऐसा एक्चुअली में हुआ है। मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए, बट बहुत ही स्पूकी और बहुत ही इमोशनल एक स्टोरी है। और मैंने भी पढ़ा, विवेक ने भी पढ़ा, हम दोनों को बहुत अच्छी लगी। तो हमने इसीलिए सोचा कि क्यों ना हम ये शेयर करें जल्द से जल्द, बिकॉज इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है, बट उतनी ही डरावनी और उतनी ही खतरनाक है। सुन के मतलब सीरियसली बोल रही हूँ, सुन के बहुत मतलब पढ़ते पढ़ते इतनी डर लग गया। तो आई होप कि हम लोग जो नरेट करें वो स्टोरी को जस्टिस कर पाए और हम अच्छे से नरेट कर पाए और आप लोग इन्जॉय करो। और प्लीज़ ये ब्लॉग ज़रूर शेयर करना शौर्या, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बाकी सबको भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बाकी ब्लॉग्स हैं वो भी शेयर करें। शौर्या का टारगेट है अपने 100 रिलेटिव्स को ये ब्लॉग भेजना। ये होमवर्क है आपका। तो बेसिकली कल दुर्गा पूजा का कोई देख ही नहीं रहा है, सब बिजी होंगे, कोई बात क्या पता। दुर्गा पूजा का व्लॉग अच्छा नहीं लगा, कोलकाता का दुर्गा पूजा सब देखना चाहते हैं। हाँ यार, वो देखो, वो दुर्गा पूजा जो है बहुत स्पेशल दुर्गा पूजा होता है। हाँ? कलकत्ता में आप लोग वहाँ के हो नहीं, या आप लोग अगर कलकत्ता के दुर्गा पूजा के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि कलकत्ता का जो स्पेशल है वो दुर्गा पूजा ही है। बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया गाइस। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इनफैक्ट बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से भी, सिर्फ दुर्गा पूजा देखने के लिए। तो वो वाला जो ब्लॉग है माता रानी का, वो शेयर कीजिए, वो देखिए। एब्सोल्युटली, और सब पे कृपा बरसाइए, माता का आशीर्वाद सबको दीजिए। तो प्लीज शेयर दैट ब्लॉग आल्सो। एंड बाकी तो बस चल रहा है हमारे सारे ब्लॉग्स गाइस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग फिर से कि प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ अगर कमी लग रही तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस चीज को करेक्ट भी कर पाए। आपकी कहानी आपकी जुबानी और माउम की रसोई के लिए रेसिपीज भेजें ताकि हम लोग वो भी शेयर कर पाए गाइस। हमारे इंस्टाग्राम के लिंक्स और ईमेल आईडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। अगर करंट व्लॉग में नहीं मिल रहा है तो गो बैक लाइक 10 व्लॉग्स, वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी। क्योंकि क्या है, कभी कभी अपडेट करना नहीं होता है, बिकॉज हम लोग बैक टू बैक शूट करते हैं, एडिट करते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, तो कभी कभी वो डालना मुश्किल हो जाता है। बट अभी करेंटली सारे व्लॉग्स में है, तो आप लोग प्लीज़ अगर कांटेक्ट में आना है तो इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करें और हम दोनों को मैसेज, हमारी ईमेल आईडी भी मेंशनड है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल अगर आप कर रहे हो तो फिर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप कर दे कि आपने एक ईमेल किया है, दैट्स अबाउट इट। तो ये कहते हुए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो लाइक आई सेड, ये स्टोरी हमें भेजी है शौर्या ने। शौर्या गॉट इन टच विद अस ऑन इंस्टाग्राम एंड उन्होंने अपनी स्टोरी भेजी है। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है शौर्य आर्ट्स करके, बहुत ही बेहतरीन पेंटर है वो। सो यू गाइज मस्ट चेक हिज इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हिज यूट्यूब चैनल। तो ये स्टोरी है रांची रांची की, झारखंड में एक जगह है रांची बोल के, तो वहाँ की स्टोरी है ये। शौर्य की मॉम की मौसी जहाँ रहती थी वहीं वो एरिया का स्टोरी है। उनके नेबर्स जो थे वो एक फैमिली रहती थी, तीन जन की फैमिली थी, और वो तीन जन में बेसिकली हस्बैंड वाइफ था और हस्बैंड की मॉम वो लोग रहते थे। बट वो हस्बैंड और वाइफ का एक ही प्रॉब्लम था कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके वजह से यू कैन अंडरस्टैंड, उतने मतलब बहुत साल पहले की स्टोरी है, अभी ऑलरेडी इतनी है तो तब तो और ज़्यादा वो होता था कि हाउ कैन यू नॉट हैव अ बेबी, ए वुमेन पे है। तो वो लेके बहुत वो फैमिली में झमेला चलता था, झगड़ा चलता था, और हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को वो मारता भी था, और जो सास है वो सपोर्ट करता था उसके बेटे को, और बहुत ही इल ट्रीट करते थे उसको। और बिकॉज शी कुडंट गिव अ बेबी उसको दूसरे नाम से बुलाते थे, विच इज़ रियली नॉट गुड। 4-5 साल हो गए। हाँ, तो इसीलिए वो लोग बहुत उसको टॉर्चर करते थे। तो ये सिलसिला चालू रहा कई सालों तक। जैसे मैंने बोला ही थोड़ी पुरानी स्टोरी, आई थिंक इट गोज बैक टू 2003 और 2004।
तो ये कुछ सालों तक चलता रहा यही सिलसिला, इतना हद तक कि वो जो औरत थी वो डिप्रेशन में आने लगी, और डिप्रेशन में आते आते उसको मतलब समझ नहीं आया और रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था। व्हेन यू डोंट हैव अपने पति का सपोर्ट या तो सास का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट है नहीं, और इतना टॉर्चर हो रहे हो, तो इट्स वेरी नेचुरल कि कोई भी डिप्रेशन में आ जाएगा। डिप्रेशन में आके उन्होंने क्या किया, विच इज़ नॉट द राइट स्टेप टू टेक व्हेन यू गो इनटू डिप्रेशन। आई थिंक अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, कुछ भी हो रही है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि बात करोगे जितना लोगों से कि क्यों डिप्रेशन है, उतना ही बेटर होगा। किसी कोई भी अपने से बात करो, दोस्त से या फैमिली मेंबर्स से, बट कभी भी डिप्रेशन में आके ऐसा स्टेप उठाना सही नहीं है। बट उन्होंने वो स्टेप उठाया एंड उन्होंने मिट्टी का तेल अपने पे डाल के शी बर्नड हर, उन्होंने सुसाइड कर ली, विच वॉज वेरी सैड। सो उनका अंतिम संस्कार हो गया और कुछ दिन बीते उसके बाद वो जो पहले जब जिंदा थी तो अपनी खिड़की या बैल्कनी से लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था कि किसी से डायरेक्ट बात करें, घर से बाहर जाए। जो भी घर के उनके पति और उनकी सास थी जो वो टॉर्चर किया करते थे, उनको पसंद नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उसको ऐसा बोल के रखा था, तो बेचारी बाहर भी नहीं जा पाती। तो उनके मरने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि वो जो उसकी आत्मा है उसके घर के बाहर ही खड़ी रहती है, जब भी कोई वहाँ से गुजरता तो उनको लगता कोई घूर रहा है मुझे वहाँ से। तो लोगों ने उस रास्ते को अवॉइड करके पीछे का एक रास्ता था जहाँ पे हनुमान मंदिर था, वहाँ से जाना प्रेफर करते थे, ना कि उस भूतिया जगह पे जाएं जहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी थी। फिर कुछ दिन बीते, वो लोग जो रहते थे जहाँ पे दुर्घटना हुई थी, उस घर को उसका बेटा और उसकी जो सास थी उसने रेंट पे दे दिया किसी को, और वो भी एक यंग कपल ही थे। और उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो हॉस्पिटल से वापस, बेबी बॉर्न हुआ उनका, एक लड़का बॉर्न हुआ, वापस जब घर पे लेके आए तो उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसा लग रहा था कि कोई ऊपर चल रहा है या कोई बगल में कोई रूम में चल रहा हो, या उनके आसपास किसी के चलने का वो घुंघरू की आवाज़ सुनाई सुन सकते थे क्लियरली ऐसा। और मोस्टली ये दोपहर को, रात को हुआ करता था, जब वो थोड़ा रिलैक्स या खा पी के सो रहे होते थे, उस समय ये सब चीज़ें होती थी। दोपहर हो या रात को आवाज़ें आती थी, कोई ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये आवाज़ें आती थी। और हर रात को 3 बजे वो बच्चा रोना शुरू करता था, एवरी नाइट 3 PM विदाउट फेल द बेबी यूज़ टू स्टार्ट। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों 3 बजे हर रात को ये बच्चा रो रहा है, बट बाकी जो आवाज़ें थी वो नेबर्स के लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी, क्योंकि उनको पता था कि वो स्पिरिट होगी, कुछ तो है, आवाज़ें हमेशा सुनाई देती है तो उनके लिए वो आवाज़ें मायने नहीं रखती थी। बट ये बच्चा रोने की आवाज़, वो किसी को समझ नहीं आया कि हर रात 3 बजे बच्चा क्यों रोता था। कुछ दिन ये सिलसिला चालू रहा और एक रात विदाउट एनी रीज़न वो बेबी जो थी उसकी डेथ हो गई, विच इज़ वेरी सैड। और लोगों ने तब बोला कि वो कपल को जाके कि देखो ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उसको बच्चा नहीं होता था, सो प्रॉबली हर स्पिरिट इज़ हियर एंड शी हैज़ टेकन योर बेबी मे बी, मतलब ऐसा उन कपल को बोला गया। तो वो कपल ने वापस से वो बेटे और सास को बुलाया, उनको बहुत कुछ बोला, ऑफकोर्स कि ऐसे इन्फॉर्मेशन कैसे तुम लोग रख सकते हो, इट्स नॉट राइट। बट एनीवेज फिर उसके बाद उसके वो बेटा और सास ने मिलके पूरा हवन कुंड किया, पूजा वूजा किया उस घर में, और पूरा प्रीस्ट को बुला के शुद्धिकरण जो बोलते वो किया, पूजा पाठ किया, हवन किया, पूरा गंगा जल से जो पूरा घर में छिड़कते वो सब करके, फिर उसके बाद जाके वो घर नॉर्मल हुआ। वो स्पिरिट जो थी वो घर में आ नहीं पाई और वहाँ से चली गई। एंडिंग यही है कि जो कपल वहाँ रहते थे जिनकी बेबी का डेथ हो गया था, वो कपल डेली शिफ्ट हो गए और वहाँ पे अभी उनकी बेबी गर्ल है और वो बहुत खुश है, खुशी से रह रहे। तो वो घर जो है अभी भी वो घर बंद है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, हालाँकि पूरा उन्होंने पूजा वूजा कर लिया था, बट ऑफकोर्स ऐसा इंसिडेंट के बाद रहना भी कौन चाहेगा, नोबडी वुड वॉन्ट टू स्टे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ शौर्य जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। एक तो वो वुमेन का डेथ वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ हर्स शी कमिटेड सुसाइड, बट ये भी सही नहीं है कि एक बच्चे की जान गई, दैट वॉज ऑल्सो रॉन्ग। सो वही बात है ना, इट्स अ प्ले ऑन टू साइड, आई डोंट नो द स्पिरिट वॉज गुड बैड सेल्फिश,
नो आइडिया, बट ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल थी और स्पूकी भी थी, तो मैंने सोचा कि अलग है, लेट्स शेयर दिस कि ऐसे भी होता है देखो. सो ये थी शौर्या की स्टोरी. सो आई होप शौर्या वी कुड नरेट द स्टोरी प्रॉपरली एंड आई होप यू आर हैप्पी. तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, कैसा लगा आज की स्टोरी, कैसी लगी. और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. और शौर्या के लिए होमवर्क है, सॉरी 10 नहीं 100 लोगों को, 100 लोगों को आपको ये अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करनी है, क्योंकि ये आपकी स्टोरी है. yes, और जितना ज्यादा आपके लोग देखेंगे उतना ज्यादा आपको खुशी होगी. यस एब्सोल्युटली. सो एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.